हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज वीडियोस विल डिस्कस अबाउट साइक्लोएल्केन्स। सो इंट्रोडक्शन पार्ट इज साइक्लोएल्केन्स और साइक्लोपैराफिन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म अ रिंग। द अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स फॉर्म होमोलोगस सीरीज विद द जनरल फार्मूला CnH2n। साइक्लोएल्केन्स और साइक्लोपैराफिन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो साइक्लोएल्केन्स और साइक्लोपैराफिन्स जो होते हैं वो एक सैचुरेटेड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इन विच दी कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ रिंग। जिसमें कार्बन एटम्स जो है वो ज्वाइन होते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से और एक रिंग को फॉर्म करते हैं। The unsubstituted cycloalkanes form homologous series with the general formula CnH2n। इसका general formula क्या होता है, CnH2n होता है। Nomenclature of cycloalkanes, the name of an unsubstituted cycloalkane is obtained by attaching the prefix cyclo to the name of the corresponding normal alkane having the same number of carbon atoms as the ring। The name of an unsubstituted cycloalkane is obtained by attaching the prefix cyclo। इसमें क्या अटैच रहता है, prefix cyclo अटैच रहता है to the name of the corresponding normal alkane having the same number of carbon atoms as in the ring। इसी ring में होता है। Substituents on the ring are named and their positions are इंडिकेटेड बाई नंबर्स। हम इसके पोजिशन को नंबर से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। दी रिंग इज नंबर सो दैट दी कार्बन्स बियरिंग दी सब्सटिट्यूएंट्स विल हैव लोवेस्ट पॉसिबल नंबर्स। इसमें क्या होते हैं, इसका लोवेस्ट रहता है, इसका जो पॉसिबल नंबर जो होता है। प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स, इसका प्रिपरेशन क्या होता है साइक्लोएल्केन्स का। फॉर्म डाईहैलोजन कंपाउंड्स, फॉर्म डाईहैलोजन कंपाउंड्स, सूटेबल डाईहैलोजन कंपाउंड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम और जिंक गिव करस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन्स। जो सूटेबल एक क्या होता है डाईहैलोजन कंपाउंड रहता है उसे हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, सोडियम और जिंक गिव करस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन्स के साथ में। दिस रिएक्शन इज एन एक्सटेंशन ऑफ वॉर्च रिएक्शन एंड मे बी रिग्रेड एज एन इंटरनल वॉर्ड्स रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स फॉर्म डाईहैलोजन कंपाउंड्स H2C जिसमें रहता है CH2Br और CH2Br और सोडियम अटैच होता है इथेनॉल के प्रेजेंस में सभी प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स इसमें रहता है फॉर्म कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट्स ऑफ डाईकार्बोक्सिलिक एसिड। वेन दी कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ एडिपिक पाइमेडिक और स्यूबेरिक एसिड इज हीटेड अ साइक्लिक कीटोन इज फॉर्म्ड। एक साइक्लिक कीटोन क्या होता है, इसमें फॉर्म होता है। साइक्लिक कीटोन्स में भी रेडली कन्वर्टेड इन टू दी करस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन्स बाई मीन्स ऑफ दी क्लीमेंसन रिडक्शन। कैल्शियम एडिपेट हीट करने पर क्या होता है, साइक्लोपेंटोन ये प्रिपेयर करता है। प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स फॉर्म एस्टर्स ऑफ डाईकार्बोक्सिलिक एसिड्स। दी डाइस्टर ऑफ एडिपिक पाइमिडिक और स्यूबेरिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम अंडरगोस इंटरमोलिक्यूलर एसिटोएसिटिक एस्टर कंडेंसेशन एंड बीटा कीटोएस्टर इज फॉर्म्ड। ये सब क्या होते हैं, इसमें फॉर्म होते हैं। दी बीटा कीटोएस्टर्स ऑन हाइड्रोलिसिस क्यू करस्पॉन्डिंग साइक्लिक कीटोन्स। ये हाइड्रोलिसिस करके क्या देते हैं, साइक्लिक कीटोन्स देते हैं। साइक्लिक कीटोन्स ऑन रिडक्शन इल्ड दी करस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन्स। ये क्या इल्ड करता है, एक करस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन्स को इल्ड करता है। प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स फॉर्म मिस्टर ऑफ डाईकार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स फॉर्म एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन में भी कैटे
लाइटिकली हाइड्रोजिनेटेड एट एलिवेटेड टेम्परेचर एंड प्रेशर टू इल्ट साइक्लोहेक्सेन 3S2, फिर निकिल के प्रेजेंस में बेंजीन बनाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। द रिमेनिंग साइक्लोएल्केन्स आर लिक्विड्स, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स शो अ ग्रेजुअल राइज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन जो है वो गैस है, किसमें एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर में। द रिमेनिंग साइक्लोएल्केन्स आर लिक्विड्स, और साइक्लोएल्केन्स इसमें क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स शो अ ग्रेजुअल राइज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। क्या करता है, ये मॉलिक्यूलर वेट को इंक्रीज करता है। दे आर आल लाइटर देन वाटर, ये क्या होता है, लाइटर होते हैं किससे, वाटर से। दिस सीरीज हैज़ अ लिमिटिंग डेंसिटी ऑफ लेस देन 0.9, इसका जो डेंसिटी रहता है वो एक लिमिट पे रहता है, इसका जो डेंसिटी रहता है 0.9। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में लेकिन सॉल्युबल होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर्स एंड एल्कोहल्स पे। रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन्स, एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन को क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट टू प्रोड्यूस, और फिर क्या करते हैं, इसमें डिफ्यूज़ करते हैं सनलाइट को तो ये प्रोड्यूस करता है 1,3 ड्राई क्लोरो साइक्लोप्रोपेन एंड 1,3 डाई ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन रिस्पेक्टिव, ये दोनों ये यूवी लाइट के प्रेजेंस में प्रिपेयर करता है। रिएक्शंस ऑफ साइक्लो एल्केन्स, इसमें है एडिशन ऑफ HBr एंड HI, साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विथ HBr एंड HI टू गिव 1 ब्रोमो प्रोपेन एंड 1 आयोडो प्रोपेन, ये क्या देता है HBr और HI, ठीक हाइड्रोजन आयोडाइड और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के प्रेजेंस में देता है ये 1 ब्रोमो प्रोपेन और 1 आयोडो प्रोपेन को, याद रखेंगे। फिर रिएक्शन ऑफ साइक्लो एल्केन्स, एडिशन ऑफ, ये तो ऐसे रिएक्शन ही चल रहा है सभी, थर्ड पॉइंट में आ गए अभी रिएक्शन के, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैटेलाइटिक रिडक्शन, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंट ऑफ अ निकिल कैटेलिस्ट टू प्रोड्यूस प्रोपेन एंड एन ब्यूटेन रिस्पेक्टिवली, क्या प्रोड्यूस करता है ये, तो प्रोपेन और एन ब्यूटेन को ये प्रोड्यूस करता है। प्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटेलिस्ट, इसमें कैटेलिस्ट भी होता है निकिल, तो 80 सेंटीग्रेड से नीचे दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो प्रोपेन और एन ब्यूटेन रिस्पेक्टिवली। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और साइक्लोहेक्सेन का हम देखते हैं हिस्ट्री, तो 1858 में कैकुले एंड कॉपलर टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन इन्होंने बताया, कैकुले स्ट्रक्चर फेमस स्ट्रक्चर है। 1874 में बताया वॉन्स हॉफ एंड लेबल टेट्राहेड्रल कार्बन के बारे में। 1885 में बेयर प्लानर साइक्लोएल्केन्स के बारे में। पॉलीमिथाइलिक कंपाउंड्स आर स्ट्रेन सिंस ओनली वन साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन, दे मस्ट बी प्लानर, ये प्लानर होते हैं। साइक्लोपेंटेन इज द लेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द साइक्लो एल्केन्स। 1980 में सेल्सी, इसमें स्ट्रेन नीड नॉट एक्सीड इन लार्जर रिंग्स। 1918 में मोहर एक्सरे एनालिसिस ऑफ डिमांड, ये इन सारे क्या किए साइंटिस्ट ने इन सभी ईयर्स में बताया, इसका हिस्ट्री हो गया साइक्लोहेक्सेन से रिलेटेड। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑल रिंग सिस्टम्स आर प्लानर, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहाइड्रल एंगल्स रिजल्ट इनटू अनस्टेबल साइक्लोहेक्सेन्स। दी लार्ज रिंग सिस्टम्स इन्वॉल्व निगेटिव स्ट्रेन
hence do not exceed the bond angles in cyclohexane and higher cycloalkanes are not larger than 109.5 centigrade, because the carbon rights of those compounds are not planar but they are puckered. The ring of cyclopropane is triangle. All the three angles are of 60. In place of 109.5 centigrade, to adjust them into triangle ring system. In same manner, cyclobutane is square and the bond angles are of 90 in place of 109 normal bond angle for carbon atom, to adjust them into square ring system. The deviation for cyclopropane and cyclobutane ring system than normal tetrahedral angle will produce strain in ring, produce karta hai. The ring strain will make them unstable as compared to molecules having tetrahedral bond angles. So cyclopropane and cyclobutane will easily undergo ring opening reaction to form more stable open chain compounds. Ko ye kya karta hai, form karta hai. All ring systems are planar. Deviation from normal tetrahedral angles result into unstable, kya hota hai isme, cycloalkanes hote hain. The large ring system involve negative strain, hence do not exceed. ठीक है, लार्ज जो रिंग सिस्टम होते हैं उसमें नेगेटिव स्ट्रेन इन्वॉल्व होते हैं. द बॉन्ड एंगल्स इन साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोएल्केन्स आर नॉट लार्जर देन 109.5 सेंटीग्रेड, बिकॉज द कार्बन रिंग्स ऑफ दोज कंपाउंड आर नॉट प्लैनर बट दे आर प्यूकर्ड व्रिंकर्ड जिसे कहते हैं. द रिंग ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज ट्रिंगल, जो रिंग जो होता है साइक्लोप्रोपेन का हो गया था, ट्रिंगल्स होते हैं. ऑल द थ्री एंगल्स आर ऑफ 60 इन प्लेस ऑफ 109.5, टू एडजस्ट देम इनटू ट्रायंगल रिंग सिस्टम. इन सेम मैनर साइक्लोब्यूटेन इज स्क्वेयर एंड द बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 इन प्लेस ऑफ 109.5, टू एडजस्ट देम इनटू स्क्वेयरिंग रिंग सिस्टम. द डेविएशन ऑफ फॉर cyclopropane and cyclobutane ring systems then normal tetrahedral angle will produce strain in ring. The ring strain will make them unstable as compared to molecules having tetrahedral bond angles. So cyclopropane and cyclobutane will easily undergo ring opening reaction to form more stable open chain compounds. Stability of cyclohexanes bears strain theory. The bond angle in cyclopropane is 60. The normal tetrahedral bond angle value is 109.5. That's why deviation equal normal tetrahedral bond angle minus actual bond angles. Deviation equal 109.5 minus 60 equal 49.5. The bond angle in cyclobutane is 90. याद रखना है. फिर इसमें लिमिटेशंस ऑफ पेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, लिमिटेशन कौन कौन से हैं. Beers was not able to explain the effect of angle strain in larger ring systems. According to Beers, cyclopentane should be much stable than cyclohexane, but practically it is reversed. Larger ring systems are not possible according to Beers as they have negative strain, but they exist and are much stable. Larger ring systems are not planar but प्यूकर्ड टू एलिमिनेट एंगल स्ट्रेन. लिमिटेशंस क्या होते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी के. बेयर्स वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दी इफेक्ट ऑफ एंगल, जो बेयर जो रहते हैं वो क्या नहीं करते, एक्सप्लेन नहीं करते जो इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन को लार्जर रिंग सिस्टम का. अकॉर्डिंग टू बेयर साइक्लोपेंटेन शुड बी मच स्टेबल दैन साइक्लोहेक्सेन, जो बेयर साइक्लोपेंटेन क्या होते हैं ज़्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में,
साइक्लोहेक्सेन, बट प्रैक्टिकली इट इज़ रिवर्स्ड. लार्जर रिंग सिस्टम्स आर नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू बेयर्स अस दे हैव निगेटिव स्ट्रेन बट दे एग्जिट एंड मच स्टेबल. ये ज़्यादा स्टेबल होता है. लार्जर रिंग सिस्टम्स आर नॉट प्लेनर, ये प्लानर नहीं होता, बट पेकर टू एलिमिनेट एंगल स्ट्रेन को एलिमिनेट करता है. कोल्सन मोटिव मॉडल्स है इसमें.